अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये टेस्टी और मज़ेदार सी कड़ी, वो भी पकोड़े वाली। पकोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के बनेंगे। हम आज इसमें प्याज के पकोड़े बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है एक कप दही लिया हुआ है, ये खट्टा दही है, नॉर्मल जो दही आता है। आप चाहें तो मीठा दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैंने आधा कप बेसन लिया हुआ है, इसे अच्छे से मैंने छान लिया था। अब जो है हम इन दोनों को ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम दही को पीस लेते हैं ग्राइंडर में, उसके बाद जो है बेसन को भी ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम दही को ग्राइंड कर लेंगे, इसे बस एक बार चलाना है मिक्सर में और इसको निकाल लेना है। ये देखिए, इसकी कोई भी अभी लम्स नहीं है, इसलिए मैं हमने इसे ग्राइंड किया है ताकि कोई लम्स ना रहे। पहले हम दही को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जो बेसन है हमारा उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा बेसन में हम पानी डालेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। दही में थोड़ा सा कटोरी में पानी बच गया था तो मैंने उसी को यूज कर लिया है। इसे भी हम एक बार चला लेंगे मिक्सर में। ये देखिए, अब दोनों का कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है तो हमारी कड़ी में भी कोई लम्स नहीं आएंगे। फिर अभी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी जो है मैंने 1 टीस्पून ऐड करी है। इसके साथ साथ जो है रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी मैं इसमें, वो भी 1 टीस्पून ही है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बस बेसन के मिक्सचर में ही सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया है। अब धीरे धीरे हम इसमें पानी डालेंगे। पहले मैं 1 कप वाटर डालूंगी ताकि सब आपस में अच्छे से घुल जाएं। अब जो है इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिक्सचर को जो है मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा, कड़ी थोड़ी गाढ़ी होने स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है पानी भरकर ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कितनी गाढ़ी और कितनी पतली रखना चाहते हैं कड़ी को, उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि कड़ी जब पकती है तो वैसे ही गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ वो ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हम जो है इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमारी कड़ी पकेगी, इसमें जो है हमने हल्दी डाली थी उसका कलर जो है उभर कर आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने जो है इसमें कुछ करी लीव्स ऐड किए हैं 7 से 8, और एक छोटी वाली जो प्याज होती है उसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। अब वो प्याज जो उसमें मैं ऐड करूँगी, इससे कड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ जो है इसमें हम कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे।
यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन चिलीज कट कर ली हैं, अब मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी। ये दो ग्रीन चिलीज हैं जिन्हें बारीक मैंने काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देंगे। जैसे जैसे गाढ़ी गाढ़ी होने स्टार्ट हो जाएगी हम इसको हिलाते जाएंगे। ये देखिए 15 मिनट इसे हो गए हैं पकते पकते, इसमें काफ़ी गाढ़ापन भी आना स्टार्ट हो गया है और को देखिए कोई लम्स नहीं हमारी कढ़ी में। बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। मीडियम फ्लेम पे जब तक हम पकाते हैं इसे हमें कंटिन्यूसली हिलाना चाहिए, क्योंकि जो है ये ऊपर कड़ी उबल कर बाहर ना गिर जाए। लेकिन अब जो है हम इसकी फ्लेम को जो है लो कर देंगे ताकि लो फ्लेम पर आराम से पकती रहे। तब तक हम जो है इसके लिए पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं कढ़ी के लिए। यहाँ पर जो है मैंने दो मीडियम अनियन जो है उन्हें अच्छे से रिंग्स में कट कर लिया है। इसके साथ साथ मैं इसमें दो हरी मिर्ची काट के डालूँगी। हम इसमें जो है प्याज के पकौड़े डालेंगे। नॉर्मली जो है पकौड़े में प्याज ऐड नहीं की जाती है जब कढ़ी बनाई जाती है, लेकिन मुझे प्याज वाले पकौड़े अच्छे लगते हैं कढ़ी में। एक बार आप ये इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसके साथ साथ जो है कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड किया है। इसके साथ साथ जो है हम रेड चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और ये जो हमारा बेसन है अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, जो प्याज है उसी के में पानी में हम जो है बेसन को आपस में मिक्स करेंगे और सारे मसाले आपस में कोट हो जाएंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पतला मिक्सचर नहीं चाहिए। इसलिए मैंने 1/4 कप जो है पानी इसमें यूज़ किया है, वो भी थोड़ा थोड़ा कर। अब जो है हम इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें जो है मैंने 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा, जो हमारा घर का खाने वाला सोडा होता है, वो इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारे भजिए जो है काफ़ी क्रिस्पी भी बनेंगे और फूले फूले भी सॉफ्ट रहेंगे। जो हम कढ़ी में ऐड करेंगे तो वो हार्ड नहीं होंगे। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम जो है इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे हम इसे और ना ज़्यादा पतला। ये देखिए इस मिक्सचर को हमें ऐसे और यूज़ करना है। अब 5 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए प्याज भी थोड़ा अपना पानी छोड़ती है। अब जो है यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल जो है हम मीडियम फ्लेम पर जो अच्छे से हीट कर लेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए हम इसमें जो है हमारे पकौड़े फ्राई करेंगे अच्छे से। एक एक करके हम सारे पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे।
इन पकौड़ों को जो है हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पलट पलट कर सेक लेना है चारों तरफ से, जब तक इनमें अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। फ्लेम ज़्यादा हाई ना करें क्योंकि अंदर से हमारे पकौड़े कच्चे रह जाएंगे और बाहर से उनमें कलर आ जाएगा, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर जो है इसे फ्राई करेंगे। सब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकौड़ों के साथ पकने देंगे। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसमें जो है हम सबसे पहले मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून है। के साथ में इसमें ऐड करूंगी जीरा 1 टीस्पून, कुछ हमारी सूखी हुई लाल मिर्च है वो हम इसमें 4 से 5 ले लेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने प्याज जो है एक मीडियम ली थी उसको हमने अच्छे से स्लाइस कर लिया है, वो ऐड कर दिया है मैंने। क्योंकि प्याज का जो ऊपर से बघार होता है वो उसमें बहुत अच्छा लगता है कढ़ी में। चलिए इन सब चीज़ों का अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें जो है हींग ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, आप कोई भी हींग इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। कुछ करी लीव्स भी इसमें मैं ऐड करूंगी 8 से 10। कड़ी पत्ते से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बिना कड़ी पत्ते की कड़ी वैसे भी अच्छी नहीं लगती, तो कड़ी पत्ता इसमें अच्छे से ऐड कीजिए आप दिल खोल कर। अभी प्याज जो फ्राई हो गई है इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज अलग कर लूँगी जो मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी अलग से, और बाकी जो है हम एज अ तड़का इसमें यूज़ करेंगे। मैंने ये थोड़ी सी प्याज निकाली है गार्निशिंग के लिए और बाकी जो हमारी बच गई है उसे हम एज अ तड़का यूज़ करेंगे। और प्याज जलना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे प्याज जलेगी नहीं और जब हम तड़का उसमें डालेंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में इसमें जो है 1 टीस्पून में रेड चिली पाउडर ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें जो है तड़का जब हम डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा निखर कर आता है कढ़ी का। बस ये तड़का तैयार हो गया है, अब इसे हम कढ़ी पर डाल देते हैं। यहाँ हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। अभी तड़का अब जो हमने तैयार किया है हम इस कढ़ी के अंदर डाल देते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे जितना भी एक्सेस ऑयल है पूरा इस कढ़ी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। बस अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। इसके साथ साथ जो है मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो है उसे भी अच्छे से चॉप करके डालूंगी। हरा धनिया डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा लगने लगा है। देखिए बस अभी कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है और गिरी की जो हमने पकौड़े बनाए थे कितने बड़े और सॉफ्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए।
इस तरह से एक बार इसको एक ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अंदर से जो इसके पकौड़े होते हैं वो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको आप राइस के साथ यूज़ करिए या पराठे के साथ यूज़ करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप जो इस कढ़ी को घर पे ज़रूर बनाइएगा और आपको ये कढ़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ गार्निशिंग में मैं ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए बस हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। वैसे तो कढ़ी सब जगह अलग अलग तरह से बनती है, कोई कैसे बनाता है, लेकिन इस तरह की कढ़ी पर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको कढ़ी जो है खट्टे का दही से ही अच्छी लगती है, तो कोशिश करिएगा इसे खट्टे दही से ही आप बनाएं। और अगर आपको खट्टा दही पसंद नहीं है तो आप मीठा दही भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बढ़िया सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।